अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, आज अफगानिस्तान ने बड़ा ही आउटस्टैंडिंग जनाब मैच खेला है जनाब। अपनी कैपेसिटी से बढ़कर जो है ना, अफगानिस्तान की जो टीम आज खेल के उन्होंने दिखाया है, और उन्होंने बताया कि हम कितने कैपेबल हैं। हम आने वाले दौर में या आने वाले जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उनमें हम कितनी ख़तरनाक टीम बन के सामने आ सकते हैं। उन्होंने एक बेल आइकॉन बजा दी है कि किस तरह से उन्होंने ये रन चेज किया है, तो ऑलमोस्ट ये अफगानिस्तान ये मैच जीत सकता था, पर कह सकते हैं कि उनकी जो है वो लक ने साथ नहीं दिया और ये मैच वो हार गए हैं। अदरवाइज़ देखा जाए जिस तरह गुरबाज़ आउट हुआ है, गुरबाज़ के आउट होने के बाद जिस तरह से कंटिन्यू रन रेट को रखा है और बिल्कुल फ्लो के साथ खेला है और बिल्कुल फ्री हैंडली, उनको पता था कि हमने इसको चेज करना और इतने ओवरों में चेज करना है, उस हिसाब से उन्होंने रन रेट अपना बिल्कुल मेंटेन रखा है। आउट भी होते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रन रेट नहीं गिनने दिया। लेकिन जो है ना, बैड लक वहाँ से हुई जहाँ पर, कहाँ पर बैड लक हुई भला बताओ? जहाँ पर मोहम्मद नबी का कैच पकड़ा, वो बहुत ही मैच का सबसे अच्छा कैच पकड़ा उसने, पकड़ा है कि नहीं? मैच का सबसे अच्छा कैच पकड़ा उसने। और उसके बाद जनाब, जब उसके बाद नजीबुल्ला जदरान थे, वो बहुत अच्छा हिटर है, T20 में उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दिखाई हुई है, और वो उस बड़े बड़े छक्के मारने की वजह से वो मशहूर है अपनी इस स्टाइलिश बैटिंग की वजह से। जैसे मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान में मशहूर है बड़े हिट मारने के लिए, इसी तरह नजीबुल्ला जो जदरान है वो भी बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और बड़े बड़े छक्के मारते हैं। उन्होंने आके अपना काम पूरा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के एक बहुत ही शानदार कैच जो है वो पकड़ा है उसका, जो है लेग साइड पर फील्डर ने बहुत ही डाइव लगाकर बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा है, उसकी वजह से जो रन रेट है जो थोड़ा सा नीचे आया है। उसके बाद जो है ना, वो लग रहा था कि जैसे अफगानिस्तान मैच से बाहर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद गान भाई, उसके बाद आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान जीतेगा कि नहीं जीतेगा? नहीं यार, हम लोग सोच रहे यार जीत जाएगा। बड़ा बड़ा है ना, वो कोच और वगैरह और जो मशवरा दे रहे हैं ना, वो रशीद खान लोग को कोई बात नहीं किया, कोई मशवरा नहीं किया जीतने का, तो रशीद खान भी यार बस किया बोलना है, बस ये चांस था गया, लेकिन उसके बाद फिर भी फारूक आया था ना, उसके बाद भी चांस था, फारूक सिंगल रहने था और रशीद खान एक चक्कर, उसको उनको पता ही नहीं था, वो कमेंट्री वाला बार बार वो बोल रहा था कि तीन बॉलों पर अगर एक छक्का लगा दें तो अफगानिस्तान फिर भी रन रेट की वजह से सुपर फोर में आ जाएगा और श्रीलंका बाहर हो जाएगा, लेकिन वो फरूकी जो है वो टिप टिप करता रहा, उसने बॉल यार मिस किया ना, वो लोग को तो पता नहीं था ना, वो लोग को जब पता था ना क्यों मिस कर रहा था, उनको पता होना चाहिए था ना, बॉल आया ना फुल टॉस बॉल पे चौका चौका जरूरी लगना है। उधर अगर वो फुल टॉस पर, अगर फुल टॉस पर वो घुमा देता आंखें बंद करके, जिस तरह नसीम शाह घुमा देता आंखें बंद करके, इस तरह अफगानिस्तान पे जैसे मैच आया ना, और नसीम शाह जैसे मैच खेला है ना, हाँ जी, बस यार क्या वो डरपोक है फरूकी, उसने उसको उनको पता नहीं था, अगर वो फुल टॉस पर घुमा देता और छक्का हो जाता ना तो मैच फिर भी अफगानिस्तान ने जीत भी जाना था, और कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होना था सुपर फोर में, तो फिर क्या ही मज़ा आना था मैच देखने का, टिकट भी हमारे तैयार थे। तो बस यही है कि अब भाई के साथ जनाब हमदर्दी है, भाई हमारा जो है बड़ा क्रिकेट को फॉलो करता है यार, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा फ़ैन है, पाकिस्तान का भी फ़ैन है, ठीक है, तो ज़ाहरी बात है उसका लगाव फिर अफगानिस्तान के साथ है ना, तो जब अपना टीम हारता है तो फिर अफसोस तो होता है ना, तो इसलिए अफगानी प्लेयर भी बड़े आज अफसुदा थे, राशिद खान को भी बहुत गुस्सा था जिस तरह से आज ये मैच हारे हैं। पहली बात तो ये है कि मैच तो वो जीते ही थे, बॉलें अभी कितनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा बॉल्स पड़ी हुई थी, तकरीबन 37वां ओवर चल रहा था, पीछे 13 ओवर पड़े थे, 13 ओवरों में 3 रन बनाने थे, उन्होंने कहा चलो हम क्वालिफाई नहीं कर सके, चलो हम मैच ही जीत लें, लेकिन बदकिस्मती देखें कि जनाब, बैड लक देखें इसको कि जनाब, वो तीसरी चौथी बॉल पर वो आउट हो गया,
और 3 रन से अफगानिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। सब सोच रहे थे, ये सोच रहे ना, पर ये सोच रहा है चल यार फैसले करने से ना, चल मैच तो जीतना है। दो लोग को जब पता था पर सिंगल जरूर लेना था ना, इस जगह पे सिंगल। श्रीलंका को भी बड़ी प्रेशर था, ऐसे नहीं श्रीलंका को प्रेशर नहीं था, सिर्फ अफगानिस्तान को प्रेशर था, श्रीलंका से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सिंगल मिल रहा था हर जगह पे, 3 बॉल था, 3 बॉल पे एक बॉल ना, एक बॉल तो सिंगल मिलना था। फुल टॉस भी पहला तो चौका या छक्का मिल रहा था, लेकिन सिंगल तो जरूर मिलना था। बस यार ये किसकी गलती है, गलती किसकी है वो बता यार, कोच के और जो खिलाड़ी लोग थे ना, सब वो लोगों को ना क्यों उनको जाना चाहिए, उनको पता ही नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। हाँ यार उसको जाना चाहिए था ना, ऐसी कोई मसला, सारे अफगानी जिन्होंने बेचारों ने टिकट ली होगा ना, वो सुबह बेचारे उनका टिकट ज़ाया हो जाएगा। कुछ लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने आएंगे, कुछ लोग बांग्लादेश को सुबह सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान के जो लोग आए हुए हैं इधर, अफगानिस्तान के लोग आए कि हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे अफगानी लोग हमारे भाई रहते हैं, बड़ी देर से पाकिस्तान ने उन्होंने यहाँ पर पनाह गुज़ीन के तौर पर आए थे और फिर पाकिस्तान में ये रहने लग गए, और इनके यहाँ पर जनाब बड़ा अच्छा इनका कारोबार भी है, सब कुछ माशाल्लाह से फिट है, और ये लोग यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं। खुश रहते हो, मज़ा आता है ना? मैं तो हूँ पाकिस्तानी, फिर सपोर्ट कराओ अफगानिस्तान का, वो मोहब्बत से ना, मोहब्बत से। ये मेरा भाई क्वेटा से है, पठान है, इसलिए अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, तो अच्छी बात है यार। अफगानिस्तान भी हमारा भाई है, बांग्लादेश भी हमारा भाई है, सब मुसलमान भाई भाई, सब मुसलमान भाई भाई है, सलाम का औलाद है, औलाद है। तो चलें, कोई बात नहीं, अब हार गया तो अगर जीत जाता तो ज़्यादा मज़ा आता अफगानिस्तान, लेकिन ट्रूली मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान की टीम आज बहुत ही ज़बरदस्त खेली है। हार जीत का एक अलहदा इशू है, लेकिन मैच को उन्होंने बोर नहीं होने दिया। ये मैच जब से लगा है ना मैच, बस जब से अफगानिस्तान ने बैटिंग शुरू की है तब से मैच बोर नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने कटापा लगा के रखा है, लेकिन श्रीलंकन को भी दाद देनी चाहिए। जिस तरह से उनकी पहली पार्टनरशिप लगी, उसके बाद थ्रू आउट 2-3 आउट हुए, उसके बाद जनाब आउट होने के बाद 2-3, फिर उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप लगी और उन्होंने जनाब वो 7 आउट करने के बावजूद 300 रन जो है वो बनवा दिया, 291-92 का टोटल बन गया। तो ये काफ़ी मुश्किल टोटल लग रहा था, क्योंकि 37 ओवर में चेज करना 300 अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बहुत ही शानदार खेले जनाब। मुबारक हो अफगानिस्तान को भी, कोई बात नहीं, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन आप बहुत अच्छा खेले हैं, आपको इस वजह से बहुत बहुत मुबारकबाद, और श्रीलंका वालों को भी मुबारकबाद कि जनाब वो सुपर फोर में आए, और श्रीलंकन जो है वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि श्रीलंका का एक नाम है, श्रीलंका वो टीम है जिसने एशिया कप तकरीबन 6 बार जीता है, तकरीबन नहीं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, बल्कि कन्फर्म मुझे ख्याल है, तो यार कन्फर्म क्या है, कन्फर्म ही 6 बार जीता हुआ है। इंडिया जनाब 7 दफ़ा एशिया कप जीता है, और उसके बाद श्रीलंका जनाब 6 दफ़ा जीता है, और पाकिस्तान कितनी दफ़ा जीता है पता है? पाकिस्तान सिर्फ 2 बार जीता है, एक दफ़ा मोइन खान की कप्तानी में जीता है पाकिस्तान एशिया कप, और एक दफ़ा और किसी की कप्तानी में जीता है, वो मुझे नहीं है याद, लेकिन 2 दफ़ा पाकिस्तान एशिया कप जीता है। तो इंशाल्लाह ताला ये तीसरी बार, और ये तीसरी बार जो है वो इंशाल्लाह बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान एशिया कप उठाएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद वर्ल्ड कप का जो है हमारा सफ़र जो हम वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप में भी हम पाकिस्तान अच्छा अच्छा खेलेगी, क्यों मज़ा आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है ना, ये तो अल्लाह करे वर्ल्ड कप टीम अच्छा चल जाएगा ना, सपोर्ट करना यार टीम को, अब पश्तो में भी बोलो पैगाम दो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान पैगाम दो ना कि यार अफगानिस्तान को बोलो कुछ नहीं हुआ, हार जीत होती रहती है। तो माशाल्लाह बढ़िया अच्छा खेल खेला है ना, देखो एक बड़ा सुपर पश्तों में बोलो टीम होता है ना, वो भी इस तरह का मैच नहीं खेल सकता, क्यों 37 ओवर बिल्कुल थोड़ी, लेकिन जब रन देखने है बहुत बढ़िया रन था, बहुत बड़ी टारगेट था, लेकिन फिर भी देखो अगर वो लोगों को पता था राशिद खान को तो यार, लेकिन आज बोर पे होता था राशिद, इनके जो स्पिनर है ना अफगानिस्तान को, उनको आज बड़ा कटापा लगा, उन्होंने आज मारा राशिद खान को, 60 से ज़्यादा स्कोर बन गया आज, इस टाइम वो वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है वनडे और टी20 में।
उसको बड़ी मार पड़ गई है, और उसके बाद जनाब मुजीब को भी मार पड़ी है, नबी को भी मार पड़ी है, सबको उन्होंने फेंटा तो लगाया श्रीलंकन ने, लेकिन उन्होंने अपना जनाब बदला भी पूरा किया है। राशिद खान भी अच्छा खेल के गया है, नबी भी, अब अगर नबी ना आउट होता तो ये मैच तो तकरीबन 32-33 ओवर में ही ख़त्म हो जाना, जिस तरह से वो अपनी तलवार और जिस तरह से वो अपना कुहाड़ा चला रहा था ना डंडा, ऐसे लग रहा था 33 ओवर में जीत जाए। नजीब अगर ना आउट ने उन्हें इतना 35 ओवर से पहला खेल खत्म हो गया। हाँ, नजीब भी अच्छा खेल रहा, अच्छा बैट्समैन। चलो आप खुदा हाफिज़ करो, पश्तों में बोल दो। अच्छा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जनाब सब दोस्तों को, और आप लोगों से भाई जान रिक्वेस्ट है क्रिकेट की अपडेट के लिए, व्लॉगिंग के लिए जनाब हम छोटा छोटा व्लॉग बना लेते हैं, तो इधर बोलो ना हमको, पश्तों में बोलो हमको, सपोर्ट करो चैनल पर, सपोर्ट सब्सक्राइब भी किया दो यार। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें जी, ठीक हो गया भाई जान, आपकी भी बहुत मेहरबानी, जो जो ये वीडियो देखे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई वाला हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे का शुगल मुगल लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, नहीं हम मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत करते हैं, ठीक है, चलें ठीक हो गया खान भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़, ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।